अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। आमीन। ये मैं आज रेसिपी लाई हूँ रीयूज रेसिपी को। ये मैंने अचारी चिकन बनाया था जो कि बच गया सालों, तो मैंने कहा कि इसमें इसको दोबारा से हम कोई नई डिश बना लेते हैं इससे। तो ये मैं इसमें चने की दाल डाल के चिकन अचारी चिकन विथ चने की दाल ये बनाऊंगी रेसिपी। आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, कोई बचा हुआ सालन हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये डिश बनेगी ये भी, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। अगर अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा, शुक्रिया। इसको अच्छी तरह पका लेते हैं, और अगर इसमें और आपको स्पाइस चाहिए तो आप मज़ीद मसाले डाल सकते हैं। लाल मिर्च नमक तो डालना पड़ेगा, लाल मिर्च अगर आपको कम लग रही है तो आप और डाल दें। तो मैं नहीं डालूँगी, मैं इसी तरह ही रखूँगी क्योंकि ये काफ़ी स्पाइसी है। तो इसके बाद इसको थोड़ा पका के इसमें ऑयल थोड़ा और डालना है। जैसे ही ये तैयार होता है फिर इसमें हम चने की दाल जो मैंने बॉईल की है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा ऑयल इस तरह शामिल कर देते हैं, 2-3 टेबल स्पून, और ये हमारे लिए हमारी दाल के लिए काफ़ी होगा। तो ये हमारा तैयार हो गया मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल को। देखें दाल में डालते हैं पानी समेत। ये देखें इसको थोड़ा 10-15 मिनट हम पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए चिकन का सालन और दाल। तो फिर हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा हम दाल को इस तरह मैश कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए करी में। हमारा तैयार है सालन, और मैंने इसके साथ वाइट बॉइल्ड चावल बनाए हैं राइस। देखते हैं, अभी मैं डिश आउट करती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मज़ेदार चारी चिकन एंड चने की दाल का करी तैयार हो गई है, और साथ बॉइल्ड चावल। आजकल के जिस तरह महंगाई हुई हुई है, हमें चाहिए कि हम कोई भी चीज़ खाने की ज़ाया ना करें, उसको रीयूज़ ज़रूर करें, नई डिश की तरह बना के घर वालों के सामने पेश करें ताकि उन्हें भी लुत्फ आए और आपको भी। इसके साथ ही मैं अपना ब्लॉग कायम करती हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।